हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमेश अरोरा फ्रॉम कैट कैम सोल्यूशन मेरिट। आज हम ये यूनिवर्सल कपलिंग है, ये एक कपलिंग की पूरी असेंबली हम लोग बनाने वाले हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास 6 पार्ट यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो ये एक शाफ्ट है जो कि MS की है, ऐसे आगे मटेरियल लिखा हुआ है, क्वान्टिटी लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और सेकेंड पार्ट मेरा ये है फॉक। सबसे पहले मैं फॉक ही बनाने वाला हूँ ये, और फिर इसके बाद है इसके अंदर सेंट्रल ब्लॉक, 3 नंबर का ये वाला पार्ट है मेरा सेंट्रल ब्लॉक। 4 नंबर पिन है, पिन मेरी ये है, कॉलर और की। तो बिल्कुल आसान है, पूरी असेंबली को ही कंप्लीट करेंगे, पूरी असेंबली ही तैयार करेंगे। तो करते हैं फटाफट स्टार्ट। तो स्केचर लेता हूँ और टॉप वाला प्लेन लेके सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से एक सर्कल ले लीजिए, सेंटर है ये और 16 का डायमीटर। एक सर्किल और है जो कि 13 का डायमीटर का है, और सेम सेंटर पे क्लिक, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और लाइन ले लेते हैं यहाँ से क्लिक, और फिर से लाइन लेंगे और टेंजेंट पे, और फिर यहाँ से लेंगे और टेंजेंट पे। इसको ठीक करने के लिए आपको ये और वर्टिकल वाला एक्सिस को सिलेक्ट करके कॉन्स्टेंट कर दीजिए, ये आपका ठीक आ जाएगा। अब डायमेंशन की बात बचती है तो इसको क्लिक करते हैं, और ये लाइन जो है ये है हमारी 57, तो इसको कर देते हैं 57। ओके, ओ माय गुडनेस, ओके। एंड लेंथ इज़ यहाँ से बैक साइड से दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है ये 48, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो लाइन हमारी अभी यहाँ तक ही है, ओके। इतना लंबा मेरे को यहाँ तक जाना नहीं है, मैं यहाँ तक ही बना रहा हूँ। या ये बनाना चाहते हैं ये बना लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटर से यहाँ तक जो है ये वाला जो टेपर है वो 18 आ रहा है। तो यहाँ से डायमेंशन लिया ये और इस लाइन के बीच का गैप, ये क्लिक करते हैं 18। अब जूम कर दीजिए इसे, और जूम करने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये लाइन तो अभी चाहिए नहीं, सिंपल यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, अंडू यहाँ से थोड़ा सा आगे, इधर और इधर, और ये वाला गैप है हमारे 10 का, ये 10 हो गया है, सेंटर से यहाँ तक 18, और फिर 10, ये 10 हो गया, तो सेंटर से यहाँ तक 18 प्लस 10, ये शेप हमारी आ गई, और आगे का गोल हमारा आ ही रहा है जो कि 15 का है। क्लोज, और यहाँ से ट्रिम लेके इस सर्कल को ट्रिम कर लेते हैं, और इस लाइन को मैंने क्लिक किया और रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। स्केच हमारा फुल्ली कंस्ट्रक्ट है, इसे फिनिश करेंगे, और इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। यहाँ से आप ले लीजिएगा इन्फर कर्व में पूरा कंप्लीट आ जाएगा, और इसे कर देते हैं सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक में 56 प्लस 16 प्लस 16, 56 प्लस 32, और जो भी आ रहा है इसे डिवाइड बाई 2। ओके, देखिए देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, डायमेंशन में मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो अपीयरेंस प्रॉपरली आ नहीं रहा है। यहाँ से 18 और आगे 15 है, नेक्स्ट प्लेन लेते हैं और एक रेक्टेंगल ले लीजिए, और डायमेंशन में कर देते हैं 16
और ये भी 16 और ये वाला गैप है 10। ओके ये पूरा आ गया है और इसको आप स्पेसिफाई कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ से कर देते हैं कट, सब्सट्रैक्ट रहना चाहिए। ये आ गया है और इसके बैक साइड का ये पोर्शन भी बनना है, तो इसके लिए स्केच फेस क्लिक ओके और सर्कल क्लिक 55 का डायमीटर, 55 का डायमीटर और इसके अंदर जो होल है वो है 30 का, 30 वाला ये है और ऊपर एक की कटी हुई है 8x4 की, वो हमें मिलेगी यहाँ से। ये 8x8 जो दिख रहा है 8x4 की यहाँ से है, तो इसको भी बना देता हूँ मैं यहीं पे ही, जब एक्सट्रूड करेंगे तो साथ में एक्सट्रूड हो जाएगा। क्लिक 8 और 4, 30 का हाफ 15 + 4 = 19, ट्रिम और करते हैं इसे फिनिश। एक्सट्रूड में जाएंगे, इन्फ्रा की जगह सिर्फ कनेक्टेड या सिंगल ले लीजिए और आउटसाइड हमें आना है 48 - 10 = 38, यूनाइट और ये जो अंदर वाला कर्व है मेरे पास ये होना है सब्सट्रैक्ट सिमेट्री का, ओके ये हमारा बन के आ गया है फर्स्ट फॉर्क, फॉर्क बन गया है। लेकिन मुझे अभी भी इस वाले पे डाउट है, ये मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस डायमेंशन से। यहाँ से हजबेंड लेके हल्का सा यहाँ पे फ्लिट लगा देते हैं, बहुत हल्का सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे है ना राउंड आ रहा है, तो हल्का सा राउंड इधर लगा देता हूँ। वैसे यहाँ पे जगह कुछ बची नहीं है, और इसको सेव कर देते हैं, सेलेक्ट करिए और कलर कर देते हैं। सेव कर दिया है और नेक्स्ट पार्ट हम बीच वाला ये थर्ड नंबर का पार्ट जो है हमारा सेंट्रल ब्लॉक ये बनाएंगे। न्यू फाइल होम पे जाएंगे और इसको बनाने के लिए आप स्केच लेंगे और किसी भी प्लेन से स्टार्ट कर लीजिए और दो सर्किल हैं यहाँ पे, एक तो है 16 का और एक जो सर्किल है बड़ा वाला 30 का डायमीटर का है। क्लिक
क्लिक क्लोज और इसे कर देते हैं एक्सट्रूड 56। का हाफ हो जाएगा 28 और सिमेट्रिक अप्लाई। और दूसरा जो है हमारा प्लेन वो परपेंडिकुलर प्लेन होने वाला है, तो परपेंडिकुलर प्लेन हमारा ये है और ओके। यहाँ पे मुझे दो सर्कल चाहिए, एक तो 30 का और दूसरा है 16 का। सेंटर दोनों का सेम है और पहले इसको और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दीजिए और बीच का जो गैप है वो है 18, तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे और इसे कर दीजिए 18। ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, जो कि कर भी रहा है, जो कि राइट है, ऐसा ही आना चाहिए। और फिर इसे करते हैं क्लोज और अब जब एक्सट्रूड करेंगे तो इसमें अब हम दो बारी में करेंगे। इसे क्लिक किया और सिमेट्रिकल लेके इसे एक्सट्रूड कर दीजिए अप्लाई और वायर फ्रेम में। फिर से लेते हैं जो अंदर वाला सर्किल है इसको लेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करिएगा और सिमेट्रिक और ओके ये अप्लाई। ओके यहाँ से भी देखिए कट कर रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है, इसको भी हमें एक्सट्रूड और सिर्फ ये छोटा वाला सर्कल सिमेट्रिक और ओके आ गया। ओके अगर आप चाहते हैं तो उसको देख लीजिए, दोनों तो सेम ही आ रहा है। आप चाहें तो इसको हम सेक्शन व्यू करके देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। या ठीक है ना, पहचान में अपने आप ही अलग से ही दिखाई दे रहा है कि ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट नई फाइल खोल लेते हैं। और ये 4 नंबर का जो पार्ट है हमारा, हम इसको बनाएंगे जो कि एक पिन है और ये डायमीटर दे रखा है इसलिए राउंड शेप है, तो रिवॉल्व से ही बनाऊंगा मैं इसको। लाइन क्लिक, थोड़ा सा इधर जाना है, फिर इधर जूम और ये है 25 25 का हाफ हो जाएगा। का हाफ 8 और ये है 10 और ये जो लेंथ है ये वाली, इसे क्लिक करते हैं, ये है 100। हल्का सा ऊपर की तरफ फिलिट है, उस फिलिट को हम बाद में देख लेंगे। बाकी सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है, सिर्फ एक सर्कल का ये होल है, इसको हम चाहें तो अभी बना लीजिए या बाद में चाहें तो बाद में आ सकते हैं। होल फॉर डाया 3 टेपर पिन। ओके तो सर्कल ले लेते हैं एक, यहाँ पे चाहिए क्लिक और सर्किल है 3 का डायमीटर का और ऊपर से डिस्टेंस है 6 और क्लोज। इसे फिनिश करता हूँ मैं और यहाँ से लेंगे रिवॉल्व, इंफ्रा कर्व भी कनेक्टेड कर लीजिएगा वेक्टर और ओके। और फिलिट कुछ मैंने पहले ही बोला था, लग रहा है मुझे यहाँ पे कुछ दिया हुआ ऐसा है नहीं, तो हमने ले लिया है 2 का जो मैंने वहाँ पे यूज़ किया था। और एक होल है, ये होल ऑयलिंग के लिए है, ये टेपर पिन होल फॉर डा टेपर पिन है यहाँ पे एक होल, तो इसको भी होल कर देते हैं। वायर फ्रेम में करेंगे
और यहाँ से आप एक्सट्रूड कर दीजिएगा सिमेट्रिकल सब्सट्रैक्ट ओके और शेडिंग ऑन हाइड सेलेक्ट कर लेते हैं व्यू में अप्लाई क्लोज और सेव। ये है हमारा पिन। तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया है और हमने यहाँ से सेंट्रल ब्लॉक बना दिया, पिन भी बना दी है। एक मेरे पास कॉलर है और की है, तो कॉलर और की को बनाते हैं और उसके बाद ये शाफ्ट बनाएंगे। नई फाइल को ओपन करते हैं, होम पे जाएंगे, प्लेन ले लीजिए और इस कॉलर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और रेक्टेंगल को ये कुछ साइज़ का मैंने बना दिया है और ये है 12, इसे आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये 12 हो गया और 25 25 का हाफ हो जाएगा 12.5, ये इनसाइड वाला और 12.5 सॉरी आउटसाइड वाला है, इनसाइड वाला जो है ये कम है, इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, 16 का हाफ हो जाएगा 8 है 8 और आउटसाइड वाला है 12.5 12.5, ये हो गया है और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, ये जो पॉइंट है इसके साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन ओके। तो ये कंस्टेंट हो चुका है प्रॉपरली, 12 25 6 के डी एक होल मेरे को और चाहिए सेंटर पे, तो आप सर्कल लीजिएगा क्लिक और 3 के डायमीटर का ये एक होल है, इसे करते हैं फिनिश और रिवॉल्व जैसा कि मैंने अभी किया था, ये वाला रिवॉल्व करना चाहते हैं एक्सेस वेक्टर ओके और फिर यहाँ से जाके एक्सट्रूड, ये जो सर्कल है इसे हम कर देते हैं सिमेट्रिकली और ओके और स्केच को कर देंगे हाइट ओके। तो इसे क्लिक करने के बाद कुछ कलर कर लेते हैं, ये भी कॉलर बन गया, सेव कॉलर के बाद हमारे पास बची है एक पिन, होम पे जाते हैं और एक पिन बना लेते हैं, की सॉरी की बना लेते हैं है 8 क्लोज और ये जो लेंथ है वो है 40 और स्लोप है वो 1:100 है 1:100, तो 1:100 का मुझे बनाना पड़ेगा तभी ये आएगा, ऐसे अदरवाइज ये लेगा नहीं। इस टेपर के लिए मैं क्या करता हूँ, जो टेपर दे रखा है 1:100, इसके लिए मैं क्या करता हूँ 100 आप इसे कर दीजिए और इसको मैं ऊपर ड्रैग करता हूँ और इधर की जो लाइन है, ये जो लाइन है क्लिक, इसे क्लिक करेंगे और इसे करेंगे सर्व ओके। ये जो टेपर है वो ये है 1:100 मीन्स 100 की डिस्टेंस जाने पे 1 mm का टेपर आएगा, तो 8 है इधर आके 7 आएगा अगर 100 चलते हैं। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को क्लिक करके कर देता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में और इसके ऊपर एक लाइन ओवरलैप करता हूँ जो कि अप्रॉक्सीमेट 50 के आसपास होनी चाहिए, तो मैं इसे बना देता हूँ ओके। अब इसे डबल क्लिक करिए, इसे कर देते हैं 40 क्लोज और ट्रिम, ये हमें चाहिए नहीं और ये कुछ गैप
इस गैप को मैं जीरो कर देता हूँ, शायद ये प्रॉपरली मैच नहीं करता। अब इस लाइन को हम कर देते हैं ट्रिम, ये कट हो गया है। और इधर की जो लाइन है, इस लाइन को आप कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करें और इसे एग्जिट करके 8 का एक्सट्रूड सिमेट्रिक। ओके, और लास्ट है हमारे पास शाफ्ट। यहाँ पे कीवी के लिए गैप है, यहाँ पे भी। तो यहाँ से जाते हैं सिलेक्ट 30 का डायमीटर स्टूड लेंथ, इसकी कुछ भी ऐसे गिवन है नहीं, तो मैं एज्यूम करके कुछ ले लेता हूँ। ओके, और इसमें की वे चाहिए मुझे, ये वाला। इसकी वे के लिए फ्रंट का प्लेन लेंगे और थोड़ा सा जूम करते हैं। एक लाइन ले लीजिए और लाइन को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और इस लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिस्टेंस है कि डिस्टेंस आपका प्रॉपरली आना चाहिए। तो इसे क्लिक करता हूँ और वायर फ्रेम में, और यहाँ से लेते हैं, ये 30 था और ये गैप है 4 का, तो ये 15 - 4 11। और आगे तक ड्रैग कर लीजिए, बाकी तो कुछ नहीं है, सिंपल आपको मिलाना है। और ये वाला राउंड है फिलेट करना है, ये आप यहाँ पे कर लीजिए, वहाँ पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मैं क्लिक करता हूँ और इसे कर देते हैं एक्सट्रूड। ये होना है सब्सट्रैक्ट कर्व को हाइट और फिलेट 4। और ये हमारी शाफ्ट हो गई है, इसे कर देते हैं सेव। अब हम कर लेते हैं असेंबली, तो इसे मैक्सिमाइज करता हूँ। यहाँ से जाके न्यू से असेंबली, यहाँ से आप ब्राउज करें फॉर पार्ट, ये फर्स्ट मेरा पार्ट आ गया है और मुझे ये 2 चाहिए, तो आप इसे 2 कर दीजिए और क्लिक, और यहाँ से ओके कर देते हैं। ये कंस्ट्रेंट है, अभी कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई करा नहीं गया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। असेंबली तो ये हमारा आ गया है, इसके अंदर जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसे कर देते हैं हम, सॉरी इसे क्लिक करते हैं और इसे कर देते हैं रोटेट। तो मूव में जाएंगे और ये है रोटेट, रोटेट करिए और सेकंड डायरेक्शन में भी रोटेट, और थोड़ा सा मूव कर लेते हैं और ओके। फिर यहाँ से जाएंगे हम और करते हैं, यहाँ से हम ऐड ब्राउज, फिर था हमारा सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल ब्लॉक। ओके,
और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट टू है, इसे आप सिंगल अप कर दीजिएगा और क्लिक, और कहाँ पे चाहिए ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। और अभी आप इसको ट्रांसलेट करके घुमा के इसकी पोजिशनिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी पोजिशन भी कर सकते हैं। तो मैं इसे घुमा लेता हूँ थोड़ा सा, अब ये ठीक हो गया और ओके। अब इनको मैं असम्बल करता हूँ, अप्लाई कंस्ट्रेंट, और यहाँ से आप ले लीजिएगा एक्सेस, ये जो एक्सेस है और ये एक्सेस है मैच हो जाए, मैच हो गया है, ये एक्सेस और ये एक्सेस मैच हो जाए, ये भी मैच हो गया है। अब फिर यहाँ पे आप प्रिफर टेस्ट ले लीजिएगा, और प्रिफर टेस्ट में मैं चाहता हूँ ये जो फेस है इसके अंदर वाले फेस से मैच होना चाहिए। ओके दैट्स इट। और इसमें भी थोड़ा सा रह गया है लेकिन अभी आपको शो नहीं हो रहा है, तो शो क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए आपको मूव में जाना पड़ेगा और क्लिक करेंगे और ऊपर, तो ये अभी जा रहा है ऊपर नीचे, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट में जाएंगे और यहाँ पे डिस्टेंस या प्रिफर टच में से कोई सा एक कंस्ट्रेंट आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। टिक, तो ये अप्लाई हो गया है। ओके फिट, यहाँ से फिट हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे ब्राउज, और नेक्स्ट पार्ट था हमारा पिन, पिन पार्ट। ओके ओके, और यहाँ पे दो चाहिए, एक इसमें और एक इसमें, दो में चाहिए, क्लिक करते हैं और कहीं पे भी रख दीजिए क्लिक, ये हो गया, और इसे ओके कर देते हैं। अब एक को क्लिक किया मैंने और असेंबलिंग में जाते हैं। पहले आप लीजिए एक्सेस, ये एक्सेस के साथ, ये एक्सेस इसके साथ, और अप्लाई क्लोज, और मूव ले लेते हैं, इसे क्लिक करते हैं और इसे मूव कर दीजिए नीचे तक ताकि शो हो जाए प्रॉपरली। अप्लाई इसको भी कर लीजिए, वैसे तो ये बिना मूव करे भी असेंबल हो जाता लेकिन कर लीजिए, एक जैसा रहेगा तो समझने में थोड़ी सी ऊप्स, ये अब गड़बड़ है, अब अंदर है तो ये काम नहीं करेगा, बाहर होना चाहिए फेस, जो मुझे मैच करना है वो फेस मुझे बाहर चाहिए था तो वो बाहर अभी है नहीं। ओके और कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट में जाके प्रिफर टच, और ये मैच अप्लाई, ये फेस और ये फेस अप्लाई। इसके बाद कॉलर चाहिए, जैसे करते हैं क्लोज और ऐड, यहाँ से ब्राउज कॉलर पार्ट, ओके और क्लिक क्लिक, ओके और असेंबली कंस्ट्रेंट, और यहाँ से ले लेते हैं एक्सेस, ये एक्सेस और ये एक्सेस मैच हो गया है, शायद ये अंदर चला गया होगा, सो नो प्रॉब्लम। इसको सिलेक्ट करिए एक्सेस को, और इस एक्सेस को सिलेक्ट करिए, अगेन इस एक्सेस को और इस एक्सेस का, ओप्स, तो लास्ट वाला मेरा गलत है, तो आपको लास्ट वाले पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे कर दीजिए डिलीट, तो डिलीट हो जाएगा। एक्सेस ये है और एक एक्सेस ये है, अब देखिए मैच हो गया, और अप्लाई कैंसिल। और एक जो पार्ट था मेरे पास लास्ट वाला, एक तो है, एक कहीं और भी है, तो मैं मूव में जाता हूँ और इसे क्लिक करते हैं और मूव करिए, इसी के अंदर कहीं होगा ये रहा, ठीक है। हमने किसी कंपोनेंट को फिक्स तो करा नहीं है, इसलिए फिक्स नहीं करने की वजह से पूरा का पूरा ड्रैग हो पा रहा है, तो ये एक्सेस और ये एक्सेस मैच हो जाना चाहिए, मैच हो गया। अब इसके अंदर शाफ्ट बची है तो यहाँ से ऐड करेंगे। ट्यूटोरियल थोड़ा सा बड़ा बन गया है लेकिन मैंने सोचा कि अलग अलग बनाने से चाहिए कि एक ही पूरा बना देता हूँ, और क्लिक ओके। सो यहाँ से लेते हैं हम, इसे लेंगे ये वाला और ये वाला पीस, ठीक है अप्लाई,
और इसके लिए मुझे रोटेट करना पड़ेगा। जैसे ऐसे करूँगा तो ये प्रॉपरली मैच नहीं होगा, इसलिए आप इसे क्या करिए, हैंडल से रोटेट कर दीजिए 180 डिग्री। ओके एंड क्लिक ओके। अब लेते हैं यहाँ से और ये फेस, ये हो सकता है कि ऊपर ही क्या आ रहा हो, पर कोई बात नहीं है। आप जब मूव करेंगे इसके अंदर का है, ओके। अब इसको मिलाने के लिए मेरे पास एक और है, मैं यहाँ से एंगल कंस्ट्रेंट ले सकता हूँ। एंगल ये वाला है और ये फेस, रिसेट एंगल, एक फेस ये है और एक फेस ये है, और एंगल 0। मैच हो गया, अप्लाई। सेम ऐसे ही मुझे इधर वाले फेस पे भी चाहिए, ये ऑलरेडी ठीक ही आ रहा है ना, तो आप इसे प्रीफर टच भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। और ये पूरा टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अभी नहीं हो रहा है टच, तो इसके लिए यहाँ से जाएंगे असेंबली के अंदर, ये जो फेस है और ये फेस मैच होना चाहिए, मैच हो गया है, अप्लाई। सेम इधर से भी ये फेस और ये फेस, और ओके। सो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज हैं, अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जो चीज़ समझ में नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं ऐसे नए अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।